गुड मॉर्निंग जोशी जी, क्या फायदा है समय के आने का? हमारा दिल ऐसा ही है। ऐसी हरकतें करते हो क्या आप? सॉरी। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। नहाकर तैयार शहर हो चुकी हूँ अभी मैं। अभी फिलहाल सासू मच गई हूँ नहाने के लिए। वो बाहर आएंगी तो फिर जोशी जी जाएंगे नहाने के लिए। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और फिर कैसे हो? बढ़िया। आरती और देवर जी तो चले गए हैं ऑफिस। घर में फिलहाल मैं हूँ, मम्मी हैं और जोशी जी हैं। नाश्ते में बनाएंगे आज हम गर्मा गर्म पोहा, तो फटाफट से तैयारी कर लेते हैं। तड़का हो चुका है हमारा तैयार। आज बारीक बारीक से आलू काट के भी डाले हैं मैंने। देखते हैं टेस्ट कैसा आएगा पोहा। यहाँ पर हमारा भी हो चुका है तैयार। पानी गया, अब एकदम गिरेगा सारा। तड़के में अच्छे से मिला देंगे पोहे को। हमारा पोहा और मस्त तैयार है। यहाँ पर तल के मूंगफली भी निकाल ली है हमने, इस मूंगफली को भी ऐड कर देंगे। गुड मॉर्निंग मामा जी, कैसे हो आप? बहुत ठीक हूँ, बढ़िया। आप मुझे एक बात बताओ। बता। आरती मायके आई है, लग रहा है मायके आई है। बेटा ड्यूटी जाना जरूरी है, दो दिन में छुट्टी मत ही। दो दिन पहले भी आरती छुट्टी में, कल भी छुट्टी हो गई, परसों भी छुट्टी हो गई, तो आज भी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वर्किंग वुमेन होती है, अगर वो मायके भी चले जाए और अगर लोकल है तो ऐसा लगता नहीं है कि मायके आई है ना। क्या फायदा ऐसा मायके आने का, जब तुम मायके आके भी मायके में नहीं होते। बेटा ड्यूटी जाना भी जरूरी है, या सुबह शाम मिल जाएगी हमसे बहुत है। यही है सुबह शाम, जैसे पहले मुलाकात होती थी वैसी अब होगी। शामी को होगी, थोड़ा बहुत होगी, नहीं तो सुबह। सही बात, आने में भी थक जाती है, फिर आके खाना खाओ सो जाओ, यही रहता है। जितना प्यारा रंग दिख रहा है उतना प्यारा अगर इसका टेस्ट भी हो तो मजा ही आ जाएगा। गर्मा गर्म पोहा विद ठंडा ठंडा माजा, कैसा लग रहा है खाना? बड़े बड़े फर्स्ट। आलू डाले मैंने इसमें, सही लग रहे हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान। गाड़ी देखना कैसी हो गई, भूत जैसी। एक दिन कवर करते दूसरे दिन कवर नहीं करते गाड़ी। बर्फ जमी बोतल नहीं है ना? बर्फ जमी बोतल नहीं है ना? नहीं, कल साफ किया था ना फ्रिज। ठीक है, ध्यान से जाना। जोशी जी जा रहे हैं ऑफिस, हाथ निकाल के बाय बाय कर रहे हैं गाड़ी से। हम चलते हैं घर की तरफ, निपटाते हैं घर का काम, फिर निपटाएंगे फोन का काम। बस यही है हमारा दिन भर का काम। गर्मा गर्म पोहा भी ठंडा हो चुका है, लेकिन ऐसे भी खाने में टेस्टी लग रहा है। यहाँ पर भी खाना खाया जा रहा है। मम्मी नहीं खा रही है पोहा, मम्मी के लिए रोटी बनाई है। मेरी मम्मी को पोहा अच्छा नहीं लगता है ना मम्मी? कभी तो खाती हो कभी तो नहीं खाती हो। गरम गरम खर्च खा जाए तो खाने में नहीं अच्छा लगता। घर का सारा कामकाज तो मेरा पहले ही निपट चुका था। अभी मैंने व्लॉग भी एडिट कर लिया है, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए हैं। दोपहर के 1:15 बज रहे हैं अभी। मम्मा बाहर रेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं स्पेशल व्लॉग शूट करने के लिए अंदर आई हूँ, अभी फिर मैं बाहर ही जाने वाली हूँ, क्योंकि मम्मा की नींद डिस्टर्ब हो जाती। और यहाँ पे डायरी में मैं अभी नोट करने लगी हूँ कुछ प्यारे प्यारे से भजन। 2-3 दिन से ना गुनगुना रही हूँ मैं, इन भजनों को मुँह पे चढ़े हुए, तो मैंने कहा ताज़े ताज़े भजन है, फटाफट से लिख लेती हूँ, फिर दिमाग से निकल जाएंगे। चलिए बाहर चलते हैं। नमस्कार मम्मा जी। बच्चरो बेटा जी, सदा स्वागत रहो। वेलकम टू होम। कितने बजे पहुंचे? हम पहुंच गए थे 1:30 बजे। तो आप सबको पता नहीं होगा, पिछले 2-3 दिन से मम्मा को मैं वीडियो कॉल नहीं कर रही थी, क्योंकि मम्मा गए हुए थे अमृतसर माथा टेकने के लिए अपनी एक सहेली के साथ। तो दर्शन कैसे रहे गोल्डन टेंपल के मम्मा? बहुत अच्छे रहे बेटा। कहाँ कहाँ दर्शन करके आए? सारे जगह करके आए। अब उतना नाम तो मेरे को नहीं है, एक बाबा दीप सिंह पहले तो वहां गए थे। उस बाद से फिर उधर गए गोल्डन टेम्पल। हाँ जी। बहुत गुरुद्वारे है बीच बीच में। एक बुड्ढा सा एक पता नहीं कुछ ऐसा बोल रहे थे कुछ नाम। वहां भी गए। चलो बढ़िया दर्शन हो गए। हाँ जी। सेवा भी करी, लंगर भी छक गई, सारा कुछ किया। मेरे लिए कुछ लाए हो? मैं कुछ नहीं लाई, मैं किसी के लिए कुछ नहीं लाई।
क्यों नहीं लाए फिर मेरे लिए कुछ आप? गंदी बात। अरे वहाँ महंगाई बहुत ज्यादा था, सारा वो चीज यहाँ भी मिलती है, वो सारी सही मिल जाएगी। वाह, एक दुपट्टा लेके आई हूँ, ऐसे करेंगे 20 इसको आधा आधा कर लेंगे, आधा पहले ना आधा मैं पहनूंगी। नहीं बहुत बड़े दुपट्टे, बहुत बड़े। एक पापा के लिए पानी की बोतल लाई, पता नहीं कैसी ठंड रहती की नहीं रहती, वो बेचारा का पानी गर्म हो जाता है रोज। अच्छा पापा की माया है बस आपको, पापा से ही प्यार है बस, हम तो ऐसे ही हैं फालतू। अरे एक चीज जो वहां थी यहाँ भी है, ये भी खाली यही हो जाता है। मैं भी अभी हरिद्वार गई थी तो मैं भी फिर अभी कुछ नहीं लेके आई वहां से, वही सब चीजें, वही मालाए वाला है, वही सब चीजें थी। सिंदूर भी यार मैं पहले लेके आ रखी थी, फिर मैं इस बार कुछ नहीं लाई, सिर्फ गंगा जल ही लाए थे हम लोग वहां से भर के। अरे बस क्या करना है, खाली वही इतना दुगने दुगना रेट, जो यहाँ तुम्हें 150 का मिल जाएगा वहाँ तुमको 300-400 का मिलेगा। हाँ, इतना महंगा होता है, मार्केट महंगी होती है। मैं तो देखो मैंने डायरी भर दी आधी भजन लिख लिख के। चलो बढ़िया, तो रो क्यों रही थी? मैं कब रो रही थी? ब्लॉग में देखा मैंने, वो मैया रानी जा रही थी ना इसलिए। अच्छा हो ही जाता है, 9 दिन लगातार ऐसे जागना, रोज अखंड ज्योत का ऐसे ध्यान रखना, मैया को उनको तैयार करना करना सब कुछ होता ही है, डेली फूल की माला चेंज करना सब कुछ, धूप जो जलाना, एक रूटीन सी बन गई थी। सुबह शाम आरती हो रही थी, सब लोग इकट्ठा थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जो जाने जब विदा करने लगे मेरे, इतना रोई फिर कुछ चुप कराया मेरे को, कह रहे कोई बात नहीं हाथ जोड़ो मैया रानी को, दोबारा आएंगी फिर नवरात्रे आएंगे फिर आएंगी, माया सी हो जाती है ना। तो बड़ा मैं बड़ा रोई, मम्मी कह रहे ऐसे हो जाता है, कुछ भी मेरे को देख, कह रहे क्या है, कह रहे इनकी आंखें भी भराई, वैसे वो होता है आदमी लोग रोते नहीं है ना, आंखें तो इनकी भी भर गई थी। मम्मी सख्ती में थी, मम्मी नहीं रोए, शीलू थी, और बस मेरे को ही था, मेरे निकले ही जा रहे आंसू, निकले ही जा रहे आंसू। मैंने कहा फिर मेरे को ये था, मैं कुछ चुके मेरा मजाक उड़ाएंगे हट नीरी करके। अरे हमारा दिल है ओए, मम्मी को भी रोना आ गया अभी। मम्मी ने तो, मम्मी मैया रानी के साथ रही भी नहीं तब भी रोना आ गया, ऐसी माया ठहरी। नहीं जब उनको देखा ना वहां पे, जब लेके आए हम घर पे, इतनी प्यारी लगी ना, घुंघराले से बात है, एक तो उनके होता ना कि दिल में एकदम से छा जाना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। हाँ वहां भी मेरे को बड़ा बुरा लगा, चाचारों के घर में जब किया ना विसर्जित, मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल काम है, लाओ कितनी खुशी से होती है, पूजा पाठ करो सब करो, मैंने कहा ये काम बड़ा मुश्किल है यार। इन्होंने बोल दिया था ना पहले ही, अपने मन में इन्होंने बोला होगा कि मैं करके आऊंगा तब करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं रखती, मैं करती नहीं, इन्होंने बोल रखा नहीं, था मिट्टी के थे वो, करने ही पड़ते हैं ना, मिट्टी के थे वो। फिर उनका रंग उतर जाता नहीं, क्यों तो दूसरा हुए ना। आवेगी मेरी मात काल का आवेगी, खेलेगी मेरी मात काल का खेलेगी, सोने का लोटा गंगा जल पानी नहावेगी, आवेगी मेरी मात काल का आवेगी, नहावेगी मेरी मात काल का आवेगी। जो जला लिया पूजा पाठ कर लिया है मैंने सुबह से, जस्ट अभी मैं गली में निकली हूँ, पूरा दिन घर के अंदर ही निकल जाता है मेरा तो। कैसे हो लवी? अच्छी हूँ चाची। वो जो आप गंगा गए थे ना, वहाँ का मैंने ब्लॉग देखा, वहाँ पे आपने एक ट्रेन के अंदर गए, वो उड़न खटोला था, उड़न खटोला। हाँ उड़न खटोला, वहाँ पे उस पे आप शीलू दीदी और आप आंटी और चाचा आप भी गए थे, और माता जी को आप ये पहले ब्लॉग देखती है, मेरा ही शूट किया वो लोग, फिर मुझे बताती है। और ना आप नहाए भी थे। हाँ भैया मैंने सब कुछ लिया था, हाँ मैंने सब कुछ किया था, हाँ वो मैं ही थी। लड़के ने साइकिल चलानी तो सीख ली, भैया चला नहीं रहा, दौड़ा रहा है साइकिल। ये ओए 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 ओए, गिर जाएगा आराम से। इसका नाम है स्पाइडरमैन, और इसका नाम है एक और स्पाइडरमैन, दूसरा स्पाइडरमैन। उसका नाम है एक और स्पाइडरमैन, और उसका नाम क्या है? एक और स्पाइडरमैन।
क्या चाचली है? नमस्कार पिताजी। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं बाहर थी गली में ना, आपका फोन आया, तीन बार फोन आ गया, अभी देखा मैंने अंदर आके। सब बढ़िया, आशीर्वाद आपका, आप बताओ। टन टन, रात के 9:15 जोशी जी घर पधार चुके हैं, घर तो पहले आ गए थे, अभी नहा भी लिया इन्होंने आधा पौना घंटा लगा के, सुंदर से मलूक से बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आज रात के खाने में बनने वाली है आलू की सब्ज़ी आरती की स्पेशल डिमांड पे। जब आरती अपने ससुराल में थी ना, तो ब्लॉग में देख रही थी, डेली हम कुट्टू के आटे की पूरी खा रहे थे व्रत में और आलू की सब्जी खा रहे थे, तो वहीं से बोल रही थी उसी समय कि मेरे लिए बचा के रखना, मेरे लिए बचा के रखना। तो कुट्टू का आटा थोड़ा सा रखा हुआ है, तो थोड़ी सी सब्जी और कुट्टू की पूरी सर उसके लिए बनेगी क्योंकि थोड़ी सी है और थोड़ा सा आटा है और बाकी सब रोटी वगैरह खा लेंगे। वैसे मैं तो उब चुकी हूँ इन दिनों में ना, मेरे को वैसे ही आलू 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 बहुत हो रहा था, पूरी में भी आलू, सूखी सब्जी भी आलू, गिली सब्जी भी आलू, आलू ही आलू हो रहा था। तो अभी मन कर रहा आरती का, तो इसलिए आज बन रही है और साथ में थोड़ा सा तरबूजा काटा, थोड़ा सा तरबूजा खाएंगे और साथ में आलू छीलेंगे। अभी सीटी आ रही है। आलू की सब्जी और चावल हो चुके हैं तैयार, आरती भी आ गई थी ऑफिस से और अभी जोशी जी और मैं जा रहे हैं स्कूटी पे आइसक्रीम लेने के लिए। ब्रिक लेने का इरादा है, देखी जा रही है यहाँ पे ब्रिक कौन सी ले जाए। जब मैं छोटी सी होती थी ना, उस समय मेरे को ये ब्रिक ना इतनी बड़ी लगती थी, पता नहीं हाथ छोटे थे उस समय या अब सच में ब्रिक का साइज छोटा हो गया। देखो कितनी पिद्दी सी लग रही है, एक ही लिए, ऐसे बाय वन गेट वन फ्री वाला था, वही सिंगल प्राइस पड़ा है इसका। चलिए चलते हैं अभी घर की तरफ। अच्छा ये जाली दिखा रहा है, ये कह रहा है ये दिखा, पहले ये दिखा, पहले ये जाली बना दो है, रोटी में केला में डाल के जाली बनाओ इसका कह रहा है। वैसे सही रहा ये, पता नहीं क्या क्या सीखता रहता है। ईशान नहीं क्या कर रहे, जादू दिखाओगे आप हमें? ईशान कोटिंग कहाँ की आपकी? हाँ पी ली उसने, हो क्या होता, पी ली उसने। माजा कहाँ गया आपका? पी लिया यार, पी लिया उसने, पी लिया। ईशान आपने पी लिया? ना दिखा मुझे, दिखा। ईशान पी लिया? इधर डालो। ये देख, इन्हें के लिए तो लाया होगा ये। ला। कुछ भी मिल जाता है इसमें, कुछ भी चलता है इसका खेल में, कुछ भी। जूस गायब हो गया था किसके अंदर? अब दे उसको चीज, ये देख। आगे कैसे भटका रहा है। अब आजकल चाचू को चुम्मा नहीं देना, तो क्या बात है? देख अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। चिज्जी तो मिली हुई है इसको, ऑलरेडी अब तो देखा चुम्मा हो। दो सरप्राइज जो है दें। नहीं पहले बोला ही नहीं इसने कि हेलो गाइस दादी यहां चलते हैं, बोला ही नहीं। नहीं चाचू को चुम्मा देगा पहले तभी। बोल बोल हेलो गाइस, नहीं चुम्मा नहीं, से हेलो गाइस बोल, चुम्मा ले लेंगे बाद में। बोल। अब इसकी मम्मी झूठ बोलती होंगी, सच बोलती होंगी, मैं ऐसे डाउट में हूं। बोलता है बेटा, बोलता है। क्या हुआ? इसकी मम्मी कह रही थी स्कूल में जाके बोल रहा है बेंच पे बैठ के कि हेलो गाइस हम स्कूल आ गए हैं। क्या करूं? चल टेंगे टेंगे वाला डांस करते, चल देखो उधर से डबल। ईशान अपने स्कूल में जाके बोलता है हेलो गाइस मैं स्कूल पहुंच गया हूँ। फिर जब उसकी टीचर इसको ऐसे घूर के देखती है, तो टीचर को बोलता है आप मुझसे घूर के मत देखो, मेरी चाची आएगी आपकी पिटाई कर देंगी, है ना? अजय बोल दो आप। इसकी मम्मी बता रही थी मेरे को कैसे हरकतें करता है स्कूल में जाके, मैंने कहा ब्लॉग में तो इतना बोलता ही नहीं है हेलो गाइस हेलो गाइस, तो आज मैं देख रही थी इसको बुला के बोलता है नहीं बोलता, यहाँ तो कुछ खास इसने रिस्पॉन्स ऐसा किया नहीं। पर इसकी मम्मी कह रही थी कि खुद से वहाँ जाके बोलता है हेलो गाइस, नानी के घर जाके भी बोलता है हेलो गाइस हम नानी के घर आ गए हैं। ऐसे हरकतें करते हो क्या आप? हैं? दादी के घर आके तो नहीं करते आप ऐसी हरकतें? इसकी टीचर बोल रही थी इसकी मम्मी को, इसकी चाची को लेके आना स्कूल में। कौन है इसकी चाची? कौन है इसकी चाची? इसकी टीचर को ये भी पता, इसकी चाची, इसकी चाची वीडियो बनाती है।
यहाँ पर डिनर किया जा रहा है अभी। अब ये स्पेस अच्छी होगी, नीचे खाना खाने में ना मजा आ रहा है। पहले बिल्कुल ही बंद बंद सा हो रहा था हमारा। सही हो रहा भोजन आरती मैडम जी? ओके रिपोर्ट। ईशान सर जी ओके रिपोर्ट। सर की चिज्जी है कटोरी के अंदर। छुपा ले छुपा ले छुपा ले। ईशान को देख के ना बचपन याद आता है। बचपन में हम लोग भी उल्टी चप्पल पहन के घुमा करते थे, फिर मम्मी सीधी करवाती थी चप्पल। काफी टाइम बाद अनुमान आया कि सीधी कौन सी चप्पल है, उल्टी कौन सी चप्पल है। चल कैसे रहा, चल कैसे रहा। ये मेरा घर है, करके दिखा दो वो चाची। टेंगे टेंगे करके दिखा। टेंगे 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 टेंगे। कल से एक नई चीज सीखी हुई है। अभी हम लोग वॉक करने के लिए आए हैं। चिंदा मामा आ गई। ओ ये क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम आप खाओगे? आइसक्रीम नहीं, ये तो मेरी आइसक्रीम है। बोलो आपकी मां है। कौन लाया था? कौन लाया था? चाचू को थैंक यू तो बोल दे। चाचू लाए थे। चाचू को बोलो। पहले बोलते हेलो गाइस एक बार। हेलो गाइस मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। बोल दे बोलो हेलो गाइस आ जाओ आइसक्रीम खा लो। बोलो अब तो ऐसी मिल गई, अब तो खाने में मसरूफ है। चाचू को थैंक यू बोल दे। चल थैंक यू चाचू। यहाँ पर आइसक्रीम पार्टी हो रही है। हाँ जी मम्मा आरती ईशान देवर जी सब लोग बाहर बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं। बाहर जगह कम पड़ गई है क्योंकि बेड का अभी दूसरा साइज कर दिया ना, दूसरा साइड उधर को, तो इधर की साइड स्पेस थोड़ी सी कम है। तो हम लोग अभी अंदर ही बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं। मैंने कैसी आइसक्रीम बनाई है जोशी जी? वो टेस्टी बनाई है ना? ये मम्मी का फेवरेट वाला है, वनीला ना वनीला। आरती की शादी की मेरी भी चम्मच। ईशान चाचू को सिखा दे, कैसे कर ले? चाचू को सिखा दो। अच कर लो, देखो अच कर लो। सीख रहा। रात के बज गए अभी 10:45। घर में सभी ने आइसक्रीम खा ली है। बर्तन वगैरह साफ करके, रसोई साफ करके मैं आ गई हूँ अभी रूम में। परिवार जब पूरा होता है, इकट्ठा होता है, एक साथ होता है, कुछ भी ले आओ थोड़ा बहुत, खाने में बड़ा मज़ा आता है ना। तब भी हमने आइसक्रीम पार्टी की, सब ने काफ़ी इंजॉय किया। आरती घर में आई हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसे हो रहा था कि मैया के विसर्जन के बाद घर काफ़ी सूना हो जाएगा, कैसे होगा क्या होगा करके, लेकिन फिर आरती आ गई तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है अभी घर में। लेकिन वही है कि वर्किंग है तो फिर वही होता है कि सुबह टाइम पे जाओ, फिर रात को लेट ही हो जाता है घर आते आते, क्योंकि लाजपत नगर है इसका ऑफिस, तो घर आते आते टाइम लग जाता है। तो वर्किंग यही होता है ना, मायके आके भी ऐसा फीलिंग आता नहीं कि मायके बंदा है आया हुआ। अब ऑफिस जाना भी ज़रूरी है, उसका ऑलरेडी ऑफ हो रहा था 2-3 दिन से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, रौनक सी लगी हुई है। जोशी जी को बासी आ रही है। आपका ऑफिस कैसा चल रहा है जोशी जी? काम ढीला ही है। कब टाइट होगा? जब कोई इवेंट आएगा तो कुछ नहीं है। अभी ऑफिस जाना आना जाना आना ही हो रहा है फिलहाल, कोई इवेंट है नहीं हाथ में। तो बस माता रानी सब कुछ अच्छा अच्छा करे, भोलेनाथ कृपा बनाए रखें, सब कुछ अच्छा अच्छा हो आने वाले टाइम में। बस एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ भी करो तो पॉजिटिव ही होता है। कमरे में मच्छर पता नहीं कहाँ से भर जाते हैं ना, रैकेट के बिना गुजारा नहीं होता। इसको चार्ज करके अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, 2-3 मच्छर मार चुकी हूँ, हत्या कर चुकी हूँ मैं 2-3 मच्छरों की, अभी और करूँगी। तो कुछ इस तरीके से बीता हमारा आज का दिन। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। छोटी छोटी खुशियों से ही ज़िंदगी खुशमयी होती है। तो कोई भी मोमेंट जिसमें आपको लगे कि आपके घर का माहौल बढ़िया बनेगा, तो वो मोमेंट कैप्चर कर लेनी चाहिए ना। कैसे बाल बना रखे हैं आपने बूंदू से? नींद आ रही है? हाँ आ रही है। कल संडे है, आराम से उठेंगे? हाँ पहले सो जाएं फिर उठेंगे। पहले सो तो जाए, अभी भी बिल्कुल कितनी नींद आ रही हो, लेकिन पहले हम फोन चलाएंगे अभी आधा एक घंटा, उसके बाद कहीं जाएंगे। मैं तो कमेंट्स की रिप्लाई करती हूँ भाई, मेरा तो ये काम है। और जो शिजी वैसे रील्स वगैरह देखेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखेंगे, टाइम बचेगा गेम्स वगैरह खेल लेंगे, है ना।
वैसे करते करते फिर सो जाएंगे जब फोन मुँह पे ऐसे करें। कितनी बार तो ऐसा होता है गाना चल रहा होता है फोन पे, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जब रेगुलर रिपीट पे कोई चीज़ चलती है तब मैं इनकी तरफ फेस घुमा के देखती हूँ, ये सो रहे होते हैं, हाथ में इनके फोन होता है। एक दिन मम्मी के बाहर, मम्मी के साथ भी मोस्टली ऐसे होता है दोपहर में फोन देखते देखते सो जाती हैं। एक दिन चल रहा है हैप्पी बर्थडे तेरा हैप्पी मैं देख रही हूँ बार बार हैप्पी बर्थडे बजे जा रहा है, जब देखा मम्मी आराम से सो रही हैं फोन ऐसे। ईशान भी ऐसे ही सोता है, ये तीन एक जैसे ही हैं। तो ये कुछ हमारी खट्टी मिट्टी सी बातें थी परिवार की, तो मिलते हैं बहुत जल्द। कल संडे है, फंडे है, खूब सारा एंजॉय करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। कल का लोग बिल्कुल भी मिस मत करना क्या ततली, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारे प्यारे फैमिली ब्लॉग्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। आइए आहा आहा।